नमस्कार एंड वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं बात करूंगा एक ब्रशलेस फ़ोन के बारे में, जो देखने में भी बहुत सुंदर है और उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। हाँ, ठीक समझा आपने, मैं बात कर रहा हूँ रेडोनिक्स की। इसे कौन धारण कर सकता है, कब धारण कर सकता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। पर मैं आपको जो भी बताऊँगा ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होगा, इसमें कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। मैंने इसका एक ब्रेसलेट बना रखा है, तो ये आप इस मैं आपको इसका क्लोज़र लुक देता हूँ और देखो ये कितना सुंदर और रॉयल लुक दे रहा है। ठीक है, इसे कौन धारण कर सकता है? मेल, फीमेल, पीपल ऑफ एनी सेक्स, किड्स, पीपल ऑफ एनी एज, एनीवन, कोई भी इसे धारण कर सकता है। कब पहन सकता है? किसी भी पल पहन सकते हो। डोंट गेट इनटू एनी सुपरस्टिशंस, इसे आप कभी भी धारण कर सकते हो। हाँ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, ये आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है, चाहे आपके अपने अंदर की हो या बाहर की हो। सेकंड, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा देता है। वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं आपको कुछ मेजर इसके प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ। इसका जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, ये बहुत ही तगड़ा वेल्थ मैग्नेट है। आज की डेट में वेल्थ सबको चाहिए, किसे नहीं चाहिए। प्लस ये आपकी हेल्थ एंड माइंड दोनों को अच्छा रखता है। ये आपको आपकी सराउंडिंग्स में मिलने में बहुत मदद करता है। आपकी सराउंडिंग्स अगर अच्छी रहेंगी तो डेफिनेटली आप भी अच्छे रहेंगे। अब बच्चों में इसका क्या फ़ायदा है? जिन बच्चों को कुछ याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये लर्निंग पावर बहुत बढ़ाता है। ये अगर आप अपने बच्चे को पहनाते हो तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। अब कोई भी जेम स्टोन अगर इतने बेनिफिट्स देता है तो हमें धारण कर ही लेना चाहिए। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, तो मैं तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड इट। मैंने तो खुद धारण कर रखा है। हाँ, आपको ये पहनना कैसा है? मैंने तो इसकी ब्रेसलेट बना रखी है, आप चाहो तो इसकी माला बनवा लो, चाहे तो रिंग बनवा लो, इट्स अप टू यू, कुछ भी करो। अब बात ये है कि इसके बेनिफिट्स कब होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप जिस भी पल पहनते हैं उसी पल से इसके बेनिफिट्स होने आपको शुरू हो जाते हैं। आप अपना काम करो, ये अपना काम करता है। इट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, वो तो ये देगा ही देगा, डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो ना ज़्यादा ना लंबी करते हुए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं किसी और जेम स्टोन पर भी आपको वीडियो दूँगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगा जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। टिल देन, बाय बाय।